स्प्रे। हाँ जी स्प्रे दो करी, वो भी अपनी मर्जी से करी जी। अच्छा, जरूरत नहीं थी करने की, ना इसमें कोई बीमारी थी। मेन बात तो यही है, दूसरे दूसरे गन्ने हैं जैसे 38 हो गया, 19 हो गया, उनमें गन्ने में सुंडी की बीमारी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो इसमें सुंडी नामुमकिन बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके गन्ने में खेत खेत गन्ने के खेत में सुंडी नहीं होगी तो कोई तो गन्ना गन्ने में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो गन्ने को फेल कर सके बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा आ जाओ तो अंदर दिखाओ एक बार। भैया नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज रंगाना फार्म में है, और देखो किसान भाई ने PB 95 वैरायटी लगा रखी। भाइयों ये खेत खड़ा है इनका, और ये इनका सारा कुछ खेत दिखाऊंगे, और बीज भाई कहाँ से लेकर आए और क्या कुछ उत्पादन दे रहा, कौन से साल का है ये लगा हुआ खेत, सारी कुछ जानकारी लेंगे भाई से, और मील में क्या पोजीशन है इसकी इस साल हमारे मील में ये भी जानेंगे, क्या कुछ भाई ने डोज दे रखी सारी कुछ। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, अपना परिचय दे दो जी एक बार। जी मेरा नाम हीरा सिंह है और रंगाना फार्म से हैं हम जी, और हमने ये कोई अपना कोजा 95 PB 95 जो गन्ने की वैरायटी है जी, ये हमने अपने खेत में अब की पहली बार लगाई है। अच्छा जी, जो कि इसमें दूसरे गन्ने के मुकाबले, इस गन्ने में मुकाबले बहुत ही कम खर्चा और कम लागत से जी ये वैरायटी हमने तैयार की है, बहुत ही अच्छी है। अगर उसमें 5 स्प्रे होती है तो इसमें 1 आधी स्प्रे, वो भी नामुमकिन है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है जी। बाकी इस गन्ने की आप हाइट दे सकते हैं कितनी है उस गन्ने के मुकाबले जी अपना। तो ये बीज कहाँ से लेकर आए थे सर जी? ये हम पंजाब से लेकर आए थे बीज, तो हमने अब की पहली बार लगाया बीज। देखो आगे इसका रिकॉर्ड बढ़िया रहेगा तो आगे इसका और हम 6-7 एकड़ आगे लगाने का इरादा है। अच्छा जी, तो ये कब की बुआई है वैसे? ये बुआई अपना गेहूं की है जी। अच्छा गेहूं की है। हाँ जी गेहूं कटाई की है जी। गेहूं कटने के बाद जब गन्ने की बुआई करते हैं, अगर इससे पहले लगे जी तो ये गन्ने का और हाइट और भी ले सकता है, और इसका वजन में भी और सारे चीज में फर्क पड़ेगा। नहीं बढ़ने वाली वैरायटी तो है ही जी। जी जी, तो मील का तो अभी इस साल कुछ रेस्पॉन्स है नहीं दिखा हमारा, इसका ऊन मील का क्या है अभी जी? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ऊन मील का आगे क्या रिस्पॉन्स है क्या नहीं है, लेकिन इसके अलावा और अलग साइड में जैसे कि यहाँ से 50 किलोमीटर के एरिया 40 किलोमीटर के एरिया में जो एक दो मील है उनका ये बीज जो किसान है उनकी मांग है ये। अच्छा, आगे बीज लगाने की उन्होंने ये पास भी कर रखा है ये बीज। अच्छा जी जी, तो आपका बीज के लिए आए वो देखने वो लेकर गए का? जी जी, बीज देखने के लिए आए हैं, आगे वो जैसे सरसों के खेत खाली होंगे उनमें लगाएंगे वो, तो उन्होंने आगे आएंगे देख वीडियो भी लेके बना के। अच्छा, तो उनकी मांग भी आ रही है 2 किले की, किसी की 3 किले की, तो इस हिसाब से जैसे भी वो आएंगे तो जी। अच्छा, तो इसकी बुआई कितने इंची पे है भाई? अजी इसकी बुआई 32 या 33 इंच पे आम ही है, जैसे आम नॉर्मल गन्ना होता है इतना। देखने में ये ट्रंच विधि लग रही है लेकिन है नहीं है। हाँ, तो बनने की वजह से हो रहा है, बनने की वजह से हो रहा है जी। जी जी जी। अच्छा, और भाई इसमें लागत की बात करें तो लागत कितनी दे दी होगी? लागत का कैसे सर? खाद वगैरह डाई वगैरह? खाद हमने डाई का कट्टा एक एक कट्टा डाई का पहले डाला था, यूरिया का बाद में, जैसे अपना आम नॉर्मल दूसरे गन्नों में डालते हैं। इतना खर्च लागत तो इसकी इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, हमने इसमें यूरिया डालना था लेकिन हमारे किसी वजह से यूरिया नहीं डल पाया जी टाइम पे वो भी, तो फिर भी गन्ना देखो कैसा खड़ा है। नहीं यूरिया वैसे यूरिया की डोज कितनी दे दी होंगी आपने? यूरिया की डोज यही को 2-3 कट्टे के आसपास, 2 कट्टे 3 कट्टे। अच्छा, कितनी जगह है ये? ये 6 बीघे खेत है ये। अच्छा, 6 बीघे का है ये। जी जी। अच्छा, स्प्रे 2 करी? हाँ जी स्प्रे 2 करी, वो भी अपनी मर्जी से करी जी। अच्छा, जरूरत नहीं थी करने की, ना इसमें कोई बीमारी थी। मेन बात तो यही है, दूसरे दूसरे गन्ने हैं जैसे 38 हो गया, 19 हो गया, उनमें गन्ने में सुंडी की बीमारी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो इसमें सुंडी नामुमकिन बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके गन्ने में खेत गन्ने के खेत में सुंडी नहीं होगी तो कोई तो गन्ना गन्ने में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो गन्ने को फेल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा आ जाओ तो अंदर दिखाओ एक बार। ये देखो भाइयों अंदर कुछ गिर भी रहे मैडे, और मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको, ये गिर रहे कुछ, ये देख लो जी हाइट, ये PB 95 की हाइट तो इस तरीके से हो ही है। यहाँ जाओ जी एक बार दिखाइयो हाइट, ये देखिए आप गन्ने की हाइट दे सकते हैं। हाँ जी, ये देख लो भाइयों हाइट, हमने ये सीढ़ी से बंधवाया ये गन्ना। अच्छा जी जी,
अच्छा सीडी लगवा के बंधवा, सीडी लगवा के बंधवाया ये गन्ना। तो थोड़ा वजन भारी होने की वजह से, तो कुछ ये जंगली जानवर हैं तो उनकी वजह से जैसे ये हवा में भरा गया है, थोड़ा गिर गया है, नहीं तो गन्ने की हाइट इससे और जैसे साइड में गन्ना है। नहीं ये तो हाइट तो सारे की बढ़िया हो रही। हाँ, अच्छा मोटाई भी बढ़िया है। नहीं हाँ जी मोटाई भी बढ़िया है, ये देखिए आप गन्ने की मोटाई भी देख सकते हैं। मोटाई भी ठीक है। तो वैसे पीवी पिचान में तो असली है ये? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही वैरायटी है ना? जी बिल्कुल। हाँ तो चौड़ी पत्ती है और गोला मोटा ऊपर से काफी। जी जी आ जाओ अंदर और भी दिखाते हैं। ये देख लो भाइयों, ये इस तरीके से खड़ा। मेरे ख्याल से हाइट गन्ने की हो रही होगी, मेरे ख्याल से तो 12-13 फुट से हो रही होगी। जी जी 13 फुट से ऊपर है। जी है जी 13 फुट से ऊपर है। हाँ 13 फुट से 14 फुट के आसपास है जी, कहीं 15 फुट भी है। अच्छा अच्छा, तो इसमें जुताई वगैरह किस चीज से करी थी भाई? जुताई आम ही, जो जैसे आम नॉर्मल गन्ना बोते करते हैं उसी चीज। अच्छा। जुताई को अलग से हमने कोई ऐसा कोई काम नहीं इसमें कर रखा, जिससे भी अगर जैसे पहले जुताई करते हैं गन्ने की ऐसे ही जुताई की। अच्छा सब सेम ही है, मतलब सब सेम ही है जी बिल्कुल। अच्छा तो जमीन आपकी ये डाकर है कि कैसी जमीन है? नहीं ठीक है, डाकर जमीन है, जैसे भी आप देख सकते हैं काली मिट्टी जैसे बोलते हैं, मेरा पैली बोलते हैं हमारे तो। हाँ हाँ जी मेरा पैली। हाँ काली मिट्टी वाली जमीन है। हाँ जी काली मिट्टी वाली जमीन है। अच्छा तो जैसा जहाँ से लेकर आए थे उन्होंने कुछ उत्पादन के बारे में बताया कि आप क्या अंदाजा करते हैं? उनका उत्पादन उनके पास था कम से कम 3 किले का बीज था जी। तो उनका 400+ एवरेज आई थी गन्ने की 1 एकड़ की। अच्छा जी 400 क्विंटल से जी। तो उनके पास 3 एकड़ गन्ना था, वो बीज का आज से 15 दिन पहले लिकट गया वो बीज। अच्छा वहाँ पे उनकी भी मांग आई बीज की हमारे पास, उन्होंने हमारे से बीज के लिए, तो हमने कहा यहाँ के जो किसान है तो उनके लिए अवेलेबल कराएंगे, अगर जो नहीं ले सकते या नहीं बिका किसी वजह से, फिर हम पंजाब की मील है वही इस बीज को ले रही है वापस, तो हम पंजाब से वहाँ से कॉन्टेक्ट करेंगे। अच्छा अच्छा जी। तो जैसा मान लिया भाई ये हमारे एरिया के हैं, यहाँ के कोई किसान बीज लेने आने लगे जी जी, तो उनको उपलब्ध हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, हम बीज हमारे पास है उपलब्ध करवाने के लिए ही है, जो भी हमारे से हो सका हम उतनी रियायत इसमें करेंगे जी बिल्कुल। आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ कोऑपरेटिव करेंगे जैसे भी होगा जी। तो अपना एक बार वीडियो में नंबर बोल दो जी। मेरा नंबर है 9719282182। हीरा सिंह मेरा नाम है जी, अपना रंगाणा फार्म से, जिला शामली जी, तहसील अपना ऊन जी। बहुत बड़ा जी। तो भाइयों ये जो है नंबर आ गया किसान भाई का इसमें वीडियो में, और जिस भाई को जो है पीवीपी चाण में बीज की जरूरत होगी और वो संपर्क कर लियो। ये देखो मैं खेत दिखाई रहा इनका सारा कुछ, खेत बहुत ही बढ़िया खड़ा। और पीवीपी चाण में वैरायटी ऐसी है कि इसमें कुछ ज़्यादा लागत की जरूरत नहीं भाइयों, और कुछ मील इसको जो है पास कर भी हमने गे रखी इसमें। है जी हाँ जी, कुरडी इसमें गे रखी है हमने 2 ट्रॉली के आसपास, 2 ट्रॉली के। अच्छा सबसे अच्छी बढ़िया खाद देसी खाद गेरो, अपना देसी खाद गेरो जी, और उसके बाद गन्ने की जुताई करके और उसमें जो भी अपना बीज बोना है वो बोलो, सबसे बढ़िया अपना खाद। हाँ दूसरी खाद, दूसरी खादों के मुकाबले अगर देसी खाद डाल, खाद अगर डल जाए तो वो सबसे बढ़िया है जी, तभी तो इतना अच्छा हो रहा है भाई जी। ये देखो तो दौरे में थोड़ा सा गिर सी रहा जी, जी। नहीं तो अंदर को तो बहुत ही शानदार है। ये देख लो भाइयों कितने हाइट हो रही है मेढो की, और ये सारा कुछ दिखा दिया मैंने अंदर से घूम के। अरे भाई भी साथ हैं हीरा सिंह। तो भाइयों ये हीरा सिंह के खेत की वीडियो दिखाई मैंने, पीवीपी चाण में वैरायटी है, जिस भाई को बीज की जरूरत होगी मुनासिब रेट पर मिलेगा और इनसे संपर्क कर लियो। तो भाइयों ये थी इनके खेत की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना। मेरा नाम मीरा सिंह है और फादर नेम सुरेंद्र सिंह, ज्यादा चंद्र सिंह सुरेंद्र सिंह के नाम से ही है जी, अपना फादर नेम ज्यादा मतलब चलता है जी। यहाँ जी जी वो तो कॉन्टेक्ट नंबर दे ही दिया आपने जी जी। तो भाइयों ये थी इनके खेत की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।